मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर भोपाल में डेरा डाल दिया है। 10 सितंबर को हुए महा आंदोलन के बाद अतिथि शिक्षक फिर से अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ आज सुबह से ही राजधानी में तेज धूप है, जिससे भारी उमस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अतिथि भी महापंचायत की घोषणाओं को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। भीषण गर्मी के चलते धीरे धीरे अतिथियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। कुछ अतिथि शिक्षक तो गर्मी के चलते बेहोश भी हो गए हैं। उधर पुलिस ने अतिथियों को पार्क के पास ही रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और अतिथियों के बीच झड़प भी हो गई। प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने सरकार को आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। संगठन के पदाधिकारी केसी पवार ने अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सरकार 5-6 बजे तक अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो अतिथि भोपाल की सड़कों पर आमरण अनशन करेंगे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और अतिथि शिक्षक कब्जा करने आए हैं, कब्जा करके जाएंगे के नारे लगा रहे हैं।